स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास है सीबी प्लस का एक स्मार्ट डोरबेल, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। आज मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे कैसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप किसी कस्टमर के यहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। क्योंकि मैंने कई सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी जिनमें ये तो बता रखा है कि इसे हम कैसे इंस्टॉल करें, लेकिन इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, उसी को लेके ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाई कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिलता है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, हमें यहाँ पे इसके मॉडल नंबर वगैरह सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ इसे पास करके। यहाँ पे आपको सारी MRP वगैरह देखने को मिल जाती है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का बॉक्स है, सबसे ऊपर हमें इसमें यूज़र मैनुअल है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी बेल मिलती है जो कि देखने में ठीक ठाक है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसकी पहले से ही अनबॉक्सिंग कर रखी है एक बार, तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि इसकी जो टेपिंग वगैरह है वो मैंने उतार ली थी पहले। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद एक बजर मिलता है हमें, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर इसके सारे टूल है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ निकाल के। बस इसके अलावा हमें इसमें और कुछ नहीं मिलता, ये देख सकते हो आप, एक यूजर गाइड है। इसे भी एक तरफ रख देते हैं। इसे भी हमें मिलता है एक चार्जर जो कि है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12, यह 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप जूम कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक डेटा केबल मिलती है जिसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। एक हमें स्टैंड मिलता है, 2 तारें मिलती है। ये जो तारें हैं ये बड़ी यूज़फुल है, ये आपको संभाल के रखनी है, इसका आपको बहुत ज़रूरी आपके लिए ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा है तो इनको भी फेंकना मत, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो डिवाइस है इसकी, इस डिवाइस को देखने में आप कुछ ऐसी है, मैं उतार के दिखा देता हूँ। ये देखिए नाइट विज़न है सेंसर, यहाँ पे नाइट विज़न का लगा हुआ है। यहाँ पे साइड में हमें 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ऊपर आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जो कि ईजिली आप रिमूव भी कर सकते हैं साइड में, अगर आपको इसे चार्ज करना है तो आप इसे साइड में लगा के चार्ज भी कर सकते हैं। मैं वो भी आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह लगा के इसे आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर बैटरी होती है जिसका बैकअप भी ठीक ठाक होता है, लगभग 4 से 6 घंटे का बैटरी का बैकअप होता है। अगर आपके यहाँ लाइट भी नहीं है, ये चार्ज भी नहीं हो रहा है, तो 4 से 6 घंटे तक ये बैटरी का बैकअप अपनी देता रहेगा और आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक बजर मिलता है, बजर यहाँ पे हमें बजर में 2 बटन मिलते हैं, एक वॉल्यूम चेक करने का और एक वॉल्यूम अप डाउन करने का। रिंगटोन अगर आपको चेक करनी है कौन सी सेट है वो आप इससे चेक कर सकते हैं। और ये लगेगा कहाँ, ये इस पे लगेगा, आप देख सकते हैं इस तरह। ये आपको अपने रूम में जहाँ पे भी आपको डोरबेल की रिंग चाहिए वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने इसके साथ लगा दिया तो हम इसे पावर कैसे देंगे, उसी को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए अगर आप इसे ऐसे इंस्टॉल करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ एक बार अच्छे से। इसे इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हम चार्जिंग का ऑप्शन नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग का ऑप्शन है वो बंद हो चुका है, अब हम यहाँ से इसे चार्ज नहीं कर सकते। तो हमें इसे पावर कैसे देनी है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप इसे उतार के लगा नहीं सकते कि भाई इसे रोज़ रोज़ चार्ज करोगे उतार के, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। ईजी कैम जो एप्लीकेशन है उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है कि इस पर कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट करेगी। ईजी कैम जो एप्लीकेशन है यहाँ से बार कोड स्कैन करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप कोई भी सी पी प्लस का कैमरा कन्फिगर करते हैं उसी तरह आपको कन्फिगर करनी है, उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे ये कन्फिगर होगी। तो इसे कन्फिगर करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और ईजी कैम के नाम से जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेनी है। ये देख सकते हो आप,
हमने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको इसमें लॉगिन करना है। मेरी आईडी पहले से बनी हुई है तो मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पे, और मेरी जो आईडी है वो मैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे यहाँ पे नोट सेव कर देता हूँ। अभी हमारी डिवाइस ऑफलाइन है, तो आपको मैं इसे जो मोबाइल का आउट सपोर्ट है उसी से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं इसका हॉट सपोर्ट ऑन कर देता हूँ फ़ोन का, और आपको डिवाइस को ऑन करना है। डिवाइस को ऑन करने के लिए आपको इसमें पीछे दो बटन मिल जाएंगे, एक रीसेट का एक ऑन का, तो मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ पहले। कुछ देर आपको इसे 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो बेल है वो ऑन हो चुकी है। कनेक्ट करने के लिए जैसे आपको कनेक्ट करना है वो मैं बता देता हूँ कैसे। आपको यहाँ पे आना है, डोर बेल पे सिर्फ आपको एक ही फंक्शन दिखेगा, उसे कॉन्फ़िगर करके आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपका जो भी वाईफाई होगा आसपास उसका नाम डालना है और पासवर्ड डालना है। ऑटोमेटिक ये सारे सेटिंग ले लेगा, और इसे जो हमारी वाईफाई डिवाइस है इसे ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। तो मैंने इसे पहले से कनेक्ट कर रखा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी, मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे ही कोई हमारे बाहर आके डोरबेल बजाएगा, ये देखिए, तो हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक इस तरह का कॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे इसमें, अभी मैं इसी डिवाइस से इसका हॉट सपोर्ट चला रखा है तो इसलिए थोड़ी हमें, ये देखिए हमारी डिवाइस ऑटोमेटिक चल चुकी है। अभी इसमें मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए। अगर आपको इससे बात करनी है तो यहाँ से इससे बात कर सकते हैं। आपको इससे अगर बात करनी है तो यहाँ से आप जो भी बात करोगे वो आपकी जो डिवाइस है इसके अंदर से आवाज़ आएगी। ये देखिए हेलो, ये देखिए आप इसके अंदर से सुन सकते हैं, आवाज़ हमारी आ रही है। अगर आपको किसी का फ़ोटो लेना है तो आप यहाँ से इसका फ़ोटो ले सकते हो। मैं ये सेटिंग्स आपको शुरू में अलाउ करनी पड़ेगी। ये देखिए अगर आपको किसी की वीडियो बनानी है यहाँ से आप वीडियो बना सकते हो, और इसे अगर आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो, हमारा कैमरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए ज़्यादा कुछ सेटिंग का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, इजी टू इंस्टॉल है। तो इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अब बताते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे सपोज करो आप इसे ऐसे कहीं पर लगा रहे हो, ये आपने ऐसे हैंग कर दिया इसको इस तरह, तो जैसे ही आप इसे हैंग करोगे तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि हम इसे पावर कैसे दें, क्योंकि पावर का जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ साइड से कवर हो चुका है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे हमने शुरू में ही बताया था आपको दो वायर हैं इसके साथ, एक आपको यहाँ पे हैंग करना है, वो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये दोनों वायर इसके साथ यहाँ पे पेंच आते हैं कुछ, उन्हीं से आपको इसे हैंग करना है। ये देखिए अब क्या होगा, जैसे ही आपने हैंग कर दी, अब इसमें आप 12 वोल्ट 1 या 2 एम्पियर का अडोप्टर लगा सकते हैं। आप इसमें अडोप्टर लगाएंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, कोई सी भी तार आप किसी पे भी लगा सकते हैं, और आपका जो VDP है उसे बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और वो उसको पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से कवर हो जाता है तो इसीलिए ये फंक्शन दे रखा है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तारे किस तरह काम करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे हमारी दो तारे हैं, और आपको इसे जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है ये वहीं पे हमारी तारे आराम से निकल जाएंगी। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए
अब इसे आप जिसको जैसे भी जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे इसे आसानी से लगाओ, और लगाने के बाद ये जो तारे हैं आपके पीछे अंदर चली जाएंगी दो तारे, और इनको आपको प्लस में जो प्लस लगाना है लगा सकते हैं, माइनस में कोई सा भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ उल्टे सीधे का फंक्शन नहीं है कि आपको कुछ उल्टा सीधा देखना है और तभी ये लगेगा और काम करेगा, इसमें ऐसा कुछ भी फंक्शन नहीं है। इसको मैं बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है, ये दो पावर के हमारे बटन हैं, आपको इसे ऑन करके रखना है और इसके साथ ये दोनों पावर के बटन एक साथ दबाएंगे। इसको प्लग इन करने के बाद आपको दोनों बटन एक साथ दबाने हैं, तो ये जो हमारा बजर है ऑटोमेटिक इस बैल के साथ कन्फिगर हो जाता है। ये जो बैल है हमारी वाईफाई के थ्रू काम करती है। आई होप दोस्तों अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे सीपी प्लस की जो ये स्मार्ट डोर बैल आती है जिसका मॉडल नंबर है CP-L23, इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें हमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको इस डोरबेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए भी आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और CCTV की नई नई वीडियोज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि CCTV की नई नई वीडियोज़ की जानकारी और CCTV के जो नए नए अपडेट्स आते हैं उनकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।